अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वेबसाइट हम लोग कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग गूगल क्रोम खोलना है ताकि हम लोग उसे इंस्टॉल यानी डाउनलोड कर पाएँ। तो मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगता है, विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। दोस्तों आप लोगों के पास मैक, विंडोज़ या लिनक्स जो भी है, आप लोगों को उस पर क्लिक कर देना है। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ वाले पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है। या मुझसे लोकेशन पूछ रहा है आप लोगों को कहाँ इंस्टॉल करना है, तो मैंने यहाँ सेव कर लिया, तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग रन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैं लोकल डिस्क डी पर हम लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर भी ओपन हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंट्रोल एन करेंगे यानी कि न्यू फाइल खोलेंगे, और उसके बाद कंट्रोल एस करेंगे यानी कि हम लोग सेव करेंगे। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाली जगह पर मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, m.html। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ। और उसके बाद दोस्तों हमें सबसे पहले जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर HTML का यहाँ टैग लगाना होता है, उसके बाद हेड का। यहाँ टाइटल में आप लोग जो भी लिखेंगे ना वो ऊपर की तरफ मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माज, और बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूँ, H1। जैसे कि हम लोग H1 में कोई सी भी चीज़ें लिखते हैं, H1 के अंदर जैसे भी मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ, और उसके बाद ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। और जैसे ही हम लोग H2 लिखेंगे तो ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और हम लोग अगर H3 लिखेंगे तो ये साइज़ में और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये टोटल H6 तक आते हैं। और तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था, हम लोग यहाँ पर आ गए। जैसे ही मैं कोई टाइटल में चीज़ लिखता हूँ तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टाइटल में माज लिखा था, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। H1 में जैसे आप लोग कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में आती है। जैसे H2 में लिखते हैं थोड़ा सा छोटा हो जाता है, H3 में लिखते हैं बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके H6 तक है। मैं आप लोगों को H6 भी दिखा देता हूँ। दोस्तों H1, H2 ये हेडिंग के लिए होते हैं, ये H6 जो है वो यानी हेडिंग 6, H1 यानी हेडिंग 1, ऐसे ऐसे करके। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ H6 इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को वेबसाइट नहीं बनानी आ रही तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं अगली वो वीडियो कौन सी बनानी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बता देना। अल्लाह।